क्वेश्चन नंबर थ्री, ट्राई हेलोमीथेन आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन विच थ्री ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मीथेन आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम्स, फॉर एग्जाम्पल CHF3। द इक्वेशन शोज द रिएक्शन टू प्रोड्यूस CHF3। यूज द डेटा टू कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और नीचे आपको इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CHF3। और हमें ये नीचे वैल्यूज गिवन है, इनको यूज करते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखें, अगर किसी इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ऐसे साइकिल बना सकते हैं। ये वैल्यूज इन सब की कौन सी इंथैल्पी चेंज की वैल्यूज हैं? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जब भी हम इंथैल्पी चेंज ऑफ एक कंपाउंड एलिमेंट से जब बनता है, एलिमेंट से कंपाउंड फॉर्म होता है। तो देखें, एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप इक्वेशन रिपीट कर लें यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इक्वेशन में देखें तो इक्वेशन में हमारे पास फोर कंपाउंड्स हैं, टू कंपाउंड्स आर ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड टू कंपाउंड्स आर ऑन द रिएक्टेंट साइड, राइट? एंड हियर वी हैव गिवन द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज फोर कंपाउंड्स। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट अ मेटल्स ओवर, सॉरी एलिमेंट्स ओवर हेयर। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, सिल्वर है और फ्लोरीन है। ये क्लियर है सबको? और ये रिएक्ट yes. करके ये वाला कंपाउंड भी फॉर्म कर रहे हैं और ये वाले कंपाउंड्स भी फॉर्म कर रहे हैं। अब देखें, AgF और AgI के 3-3 मोल्स हैं, तो इनका मतलब है कि इनकी वैल्यूज टाइम्स 3 होंगी। तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड पे देखूं तो ये जो एरो है जो कि नीचे एलिमेंट से रिएक्टेंट्स की तरफ जा रहा है, वहां पे हमारे पास CHI3 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज में फॉर्मेशन ऑफ CHI3 इंक्लूड है अलोंग विद 3 टाइम्स इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर फ्लोराइड। ये क्लियर है सबको? इसको मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, एक्स। और अगर मैं राइट साइड पे देखूं तो राइट साइड पे जो एलिमेंट से प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रही हैं रिएक्शन की, उसमें हमारे पास CHF3 बन रहा है जिसकी फॉर्मेशन क्या गिवन है, -692.9, और उसके साथ 3 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं AgI के, तो -61.8। ये क्लियर है सबको लेबलिंग? यस सर। ओके, तो हमारे पास अगर आप देखें तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो एलिमेंट्स आपके स्टार्टिंग मटेरियल हैं, एरोज की डायरेक्शन देखें तो एलिमेंट्स ये इनडायरेक्ट रूट लेके इन दोनों कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये डायरेक्ट रूट लेके इन दोनों कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्सप्रेशन क्या बना सकता हूँ, -182.1 प्लस 3 टाइम्स -204.6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू -692.9 प्लस 3 टाइम्स -61.8। एक्स मुझे फाइंड करना है तो एक्स को सब्जेक्ट बना लूंगा और बाकी सबको अपोजिट उसमें मूव कर दूंगा, इज इक्वल्स टू के अपोजिट साइड। तो 692.9 प्लस 3 टाइम्स -61.8, ठीक है, फिर ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, +182.9, और दूसरा प्लस जो है माइनस हो जाएगा, सो -3 टाइम्स -204.6। इसको सॉल्व कर लें, हमें आंसर मिल जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आई तो प्लीज पूछ लें। सर -82.4 माइनस
82.4 जी, ये क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, नाउ बी पार्ट। द ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पीवी एंड पी एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर CHF3 एंड एन आइडियल गैस। आइडियल गैस का हमें जो है डॉटेड लाइन से शो किया है, जो कि स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और CHF3 की एक कर्व्ड लाइन है। CHF3 इज नॉट एन आइडियल गैस, ठीक है, क्योंकि उसका आइडियल गैस जैसा बिहेवियर ही नहीं है, ठीक है। आइडियल गैस में अगर टेम्परेचर चेंज ना किया जाए तो हम कोई भी प्रेशर रखें तो पी इंटू वी जो है क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है आइडियल गैस के लिए, जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। बट CHF3 के केस में पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आइडियली बिहेव नहीं कर रही। ये बात क्लियर है सबको? Yes, yes. Okay. State three basic assumptions that scientists make about the properties of ideal gas. ठीक है, तीन assumptions बतानी है जो ideal gas के बारे में की जाती हैं। तो एक हम ये बात कह सकते हैं कि when we talk about ideal gas, there is a negligible or no force of attraction. Between molecules. ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. दूसरा हम ये कह सकते हैं कि the collision is elastic. ठीक है, और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। जी, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? ओके, एक्सप्लेन व्हाई CHF3 डेविएट्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर ग्रेटर देन 300 atm। तो देखें, 300 atm पे जो है ऑलमोस्ट जो है उसका आइडियल बिहेवियर हो रहा है थोड़ा सा, बट उसके बाद फिर वो डेविएट कर रही है। तो क्यों ये डेविएशन हो रही है? क्योंकि क्या चीज इंक्रीज हो रही है, कौन सा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है भाई? पीवी। पीवी क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि बेसिकली क्या इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, करीब आ रहे हैं दूसरे के, करीब आ रहे हैं। ठीक है, यस सर। ये बात क्लियर है? तो हम रीजन क्या लिखेंगे, के मॉलिक्यूल गेट सो क्लोज that the volume of molecules
become significant. Ideal gas में molecules का volume significant नहीं होता, negligible होता है, but molecules closer हो जाते हैं जिसकी वजह से collective volume जो है एक significant volume बन जाता है. ये बात clear है सबको? Yes sir. Yes sir. Okay. Key part. A different trihalomethane, that is CHCl3, reacts with oxygen to produce carbonyl dichloride. And here we have a formula of carbonyl dichloride. HCl gas is also released as a product of this reaction. Write an equation for the reaction of CHCl3 with O2. So, dekhe, unhone hame bata diya kaun kaun react kar rahe. CHCl3 react कर रहा है ऑक्सीजन से. प्रोडक्ट क्या बनेगी? कार्बोनिल डाइक्लोराइड बनेगा. कार्बोनिल डाइक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? COCl2 और उसके साथ क्या रिलीज होगी? HCl. देख लें इक्वेशन बैलेंस है. फिर ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, वहां पर दो है. जी तो हम यहाँ पे हाफ प्लेस करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. इस इक्वेशन में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें. ओके. The conversion of CHCl3 to carbonyl dichloride can be monitored by infrared spectroscopy. The infrared spectrum of carbonyl dichloride is shown. So here this is the spectrum of carbonyl dichloride, which means it is the spectrum of this compound, right? Where the two chlorines are bonded to a carbon, which is double, forming a double bond with the oxygen. On the infrared spectrum of carbonyl dichloride, identify with an X the absorption that would not be present in infrared spectrum of CHCl3. So, agar hum CHCl3 ka structure dekhe, good Muhammad, ye hai. Aur carbonyl dichloride ka structure dekhe, to C double bond O aur do Cl hai. To hamare paas in actual ye wala jo bond hai, ye wala bond carbonyl dichloride mein present hai, but this bond is not present in CHCl3, right? Ye baat yahan samajh mein aa rahi hai sabko? Yes sir. To is bond ka agar aap वो देखना चाहें कि ये बॉन्ड किसका है, सो हेयर यू गो. सी डबल बॉन्ड ओ का सिग्नल आपको कहाँ पे मिलेगा? मिनिमम 1640 की रेंज में मिलेगा और मैक्सिमम 1750. तो 1640 से 1750, तो ये रहा आपके पास 1600 और ये रहा आपके पास 1800. तो इसका मतलब है कि ये एक्स है बेसिकली, ये जो सिग्नल है ये सी डबल बॉन्ड ओ का है. ये बात क्लियर है? यस सर. यस सर. On the infrared spectrum of carbonyl dichloride, identify with an X. ठीक है, तो explain क्या करेंगे X mark करने के बाद? ये CHCl3 does not contain
C double bond O. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So just another difference between the infrared spectra of CHCl3 and carbonyl dichloride. उन्होंने एक और डिफरेंस आपसे पूछा है तो एक और पॉसिबल डिफरेंस क्या हो सकता है अगर हम देखें हाइड्रोजन वाला बॉन्ड. गुड, यहाँ पे हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है जो के जो है किसमें मिसिंग है, सी डबल बॉन्ड का डाइकार्बोनिल क्लोराइड में मिसिंग है. तो कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का सिग्नल हमें कहाँ पे मिलेगा? गेरा बॉन्ड, राइट. और इसका सिग्नल कहाँ पे आ रहा है? 2850 से 2950 तक. ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर. तो हम इसी बात को आंसर में लिखेंगे कि CHCl3 has a peak of carbon hydrogen bond at, क्या हमने ऑब्जर्व की थी वैल्यू 2850 से 2950 सेंटीमीटर इनवर्स. जी ये क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज क्लियर कर लें. नो सर, क्लियर है. ओके, द डायग्राम शोज अ रिएक्शन सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल. इथेनॉल इज व्हाट? एल्डिहाइड. P में हम HCN और NaCN से रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है P इन्होंने दिखाया नहीं है क्या होगा. पर अगर मैं यहाँ पे P बनाना चाहूँ, उन्होंने डिस्प्लेड फॉर्मूला भी पूछा हुआ है, तो P बेसिकली क्या होगा? साइनाइड बन जाएगा, OH लगेगा. हाइड्रोक्सी साइनाइड बनेगा. हाँ, हाइड्रोक्सी साइनाइड. ये कार्बन एज इट इज रहेगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये सब एज इट इज रहेंगे. यहाँ पे डबल बॉन्ड O की बजाय सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा. अच्छा देखें, यहाँ पे मेंशन हुआ है डिस्प्लेड फॉर्मूला, तो मैं इसका मतलब है कि CH3 भी इनक्लोज नहीं लिख सकता, बल्कि हर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड शो करूंगा. ये क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. ओके, ओके okay. अच्छा पहले ये कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया तो सल्फ्यूरिक एसिड ने बेसिकली नाइट्राइल को इस ग्रुप को हाइड्रोलाइज करके एसिड बना लिया. ठीक है, पहले रिएक्शन में चेंज यहाँ पे आया, दूसरे रिएक्शन में चेंज यहाँ पे आया. मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. थर्ड रिएक्शन में अगर आप देखें तो जो चेंज आया है वो यहाँ पे और यहाँ पे आया है कि CH3 वाले कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और OH रिमूव हुआ है और उन्होंने वाटर फॉर्म कर लिया है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया है. ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर. जी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. नो सर. ओके, रिएक्शन 4 में कार्बन उसको रिएक्ट करवा रहे हैं और हमें जो है अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज रह रहा है. तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या यूज किया है? NaBH4 यूज किया है. और यहाँ पे क्या यूज किया है? डिहाइड्रेशन हुई है तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं आप. यस सर. ठीक है, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे. ये यहाँ तक क्लियर है सबको? सर ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, रिडक्शन नहीं हुई, तो NaBH4 नहीं, डाइक्रोमेट आयन यूज करेंगे हम. सॉरी, अल्कोहल. अच्छा हाँ सही है, कीटोन से एल्डिहाइड नहीं बना बल्कि अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हुआ है. अगर कीटोन से एल्डिहाइड या सॉरी कीटोन से अगर अल्कोहल बन रहा होता तो हम बोलते रिडक्शन. तो यहाँ पे सॉरी ऑक्सीडेशन हुई है और एसिडिफाइड
पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज हुआ है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? यस सर. यस. ओके, ओके. नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन रिएक्शन थ्री. तो रिएक्शन थ्री में अगर आप देखें तो H और OH रिमूव हो रहा है, OH यहां से और एक H यहां से, जिसकी वजह से इन दोनों कार्बन पर डबल बॉन्ड बन रहा है. डिहाइड्रेशन और या एलिमिनेशन. मतलब डिहाइड्रेशन हो रही है. ठीक है. यस सर. सर कुछ मार्किंग स्कीम में मैं देख रहा था कि डिहाइड्रेशन स्लैश एलिमिनेशन भी लिखा होता है, तो एलिमिनेशन भी यहाँ पे. जी बिल्कुल लिख सकते हैं. ओके ओके सर. राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट रिएक्शन फोर. रिएक्शन फोर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, तो अगर हम अपनी रिएक्टेंट देखें तो वो रिएक्टेंट क्या है? H3C OH CO2H और इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन. राइट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम अपना स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करते हैं इक्वेशन में, और बन क्या रहा है? जो प्रोडक्ट बन रही है वही बना दें, यानी के H3C C double bond O CO2H. ठीक है, और अगर देखा जाए तो वाटर भी होगा सर. इस रिएक्शन में हमारे पास ये वाला H और ये वाला H रिमूव हो रहा है, जो कि इस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा. तो हम साथ वाटर लिखेंगे. देख लें एक दफा इक्वेशन सब, अगर किसी को कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें. नो सर, क्लियर है. जी यशफा, अमीना और तानिया, आप तीनों को भी क्लियर है? यस सर. यस सर. ओके, स्टेट द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर रिएक्शन फॉर. रिएक्शन फॉर जैसे कि हमने बात की थी, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन है. ठीक है, रिएजेंट एंड कंडीशंस पूछी है. तो हमारा रिएजेंट क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट और उसके बाद कंडीशन आप मेंशन कर दें कि कंडीशंस क्या होती हैं. हम एसिडिफाइड कंडीशंस यूज करते हैं, यानी कि एक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक रिएक्शन करवाते हैं. ये क्लियर है सबको? हीट अंडर रिफ्लेक्स नहीं होता. हीट अंडर रिफ्लेक्स की जो बेटा स्पेसिफिक कंडीशन है ना, वो जब प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं तब, क्योंकि अगर हम उसमें हीट ओवर डिस्टिलेशन करते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हीट अंडर रिफ्लेक्स करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. इस रिएक्शन में जबकि सेकेंडरी अल्कोहल है और जो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में हमेशा ही हीट अंडर रिफ्लेक्स होता है. तो हाँ, अगर इन्होंने 2 marks दिए होते तो फिर हम दूसरी कंडीशन में हीट अंडर रिफ्लेक्स भी लिख देते. ओके सर. ठीक है, मगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एसिडिफाइड होना बहुत जरूरी है. ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? बी कंपाउंड क्यू इज फॉर्म्ड एज अ मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकल आइसोमर्स. कंपाउंड क्यू क्या था? ओके, दैट इज कंपाउंड क्यू. ठीक है, तो एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द टर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स. दी ऑप्टिकल आइसोमर्स कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज स्ट्रक्चर्स बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स. बेटा जो आपने डेफिनेशन बताई है ना, वो डेफिनेशन है स्टीरियो आइसोमर. हाँ सर, सॉरी
काइल सेंटर, काइल सेंटर कॉमन डेफिनेशन है स्टीरियोआइसोमर्स की, क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम सिस ट्रांस में भी होती है और ऑप्टिकल में भी होती है. यहाँ पे जस्ट ऑप्टिकल की बात की है, तो हम लिखेंगे के मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, जो कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज हों बट वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकते हों ऐसे मिरर इमेज, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. ओके, क्वेश्चन नंबर टू. ड्रॉ द टू ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ क्यू शोइंग क्लियरली देयर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. तो देखें, जब भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एग्जामिनर बोलेगा तो उस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आपके दो बॉन्ड्स ऑन द प्लेन होंगे जो कि सिंपल लाइन से बनेंगे, एक बॉन्ड बोल्ड लाइन से बनेगा जो कि अबव द प्लेन होगा, और एक बॉन्ड डॉटेड लाइन से बनेगा जो बिलो द प्लेन होगा. ये क्लियर है सबको? अब अगर आप क्यू में देखें तो इस सेंट्रल एटम के अराउंड एक तरफ सी एच थ्री है, एक तरफ एच है, एक तरफ ओ एच है, और एक तरफ कार्बोक्सिल एसिड है. ठीक है, तो हम किसी भी एक तरफ एच लगा दें, एक तरफ ओ एच लगा दें, एक तरफ सी एच थ्री लगा दें, और एक तरफ सी ओ टू एच लगा दें. ये क्लियर है सबको? यस सर. और जस्ट मैंने क्या करना है, मैंने इसका मिरर इमेज बनाना है, यानी कि मैं ओ एच इसी तरह अवे लगाऊंगा, एच ऊपर लगाऊंगा, यहाँ पे सी ओ टू एच और यहाँ पे सी एच थ्री. जी देख लें, अगर मिरर इमेजेस में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें. नो सर. सर, जो सेकंड ऑप्टिकल आइसोमर है जिसमें सी टू ओ एच लिखा है, क्या हम उसमें सी ओ टू एच नहीं लिखेंगे? आप यहाँ की बात कर रही हैं? जी, इसमें हम सी टू सी ओ टू एच नहीं लिख सकते. अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, उसकी वजह मैं समझाता हूँ. देखें, सी ओ टू एच का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर मैं डिस्प्लेड फॉर्म बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा, राइट? बट अगर ये कार्बन के लेफ्ट साइड पे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन, तो मैं यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ लिखूंगा, फिर यूं ओ लिखूंगा, फिर यूं मैं एच लिखूंगा. जी. तो अगर मैं इसको कंडेंस करूं तो मैं सबसे पहले एच लिखूंगा ना, then we have a two oxygen and then C. ठीक है सर. और फिर यहाँ पे ये कार्बन से बॉन्डेड है, और ये यहाँ पे इसके लेफ्ट पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के राइट पे कार्बन है. ये बात क्लियर हो गई? यस सर. ओके, R can be used to make a polymer W in two steps. ओके, एडिशन पॉलीमर होके इंटरमीडिएट पॉलीमर बना, आफ्टर एडिशन पॉलीमराइजेशन और फिर उसके बाद NaOH से रिएक्ट करवाया. ठीक है, तो जरा देखते हैं, आर हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल था? ये मॉलिक्यूल था जिसमें डबल बॉन्ड दो कार्बन के बिटवीन है, इनमें से एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो हाइड्रोजन है और दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक हाइड्रोजन है, राइट? तो
वन रिपीट यूनिट बनाना है तो आप डबल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों तरफ हाइड एम्प्टी बॉन्ड्स छोड़ेंगे, इधर एच प्लेस करेंगे, इधर भी एच प्लेस करेंगे, राइट right? और इधर क्या प्लेस करेंगे, CO2H, बट ये जो है हमारे पास ये बना है। फिर जब इसको NaOH से ट्रीट किया तो W बना, तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो जो है H रिलीज कर देगा और यहाँ पे Na लग जाएगा। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके नाउ कंपाउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आर, ओके दैट कैन बी यूज्ड in two step processes to produce 2-aminopropane. In the first step, Z reacts with HBr to form two products. The structure of the products depend on which intermediate is formed, intermediate 1 or intermediate 2. Ye information sabko clear hai? ओके तो हमें दो इंटरमीडिएट दिख रहे हैं, इंटरमीडिएट 1 और इंटरमीडिएट 2, बोथ आर कार्बोकैटाइन। अगर मैं इस कार्बोकैटाइन की बात करूं तो ये कौन सा कार्बोकैटाइन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी? सेकेंडरी सेकेंडरी है क्योंकि एक हाइड्रोजन अटैच है, राइट? यस सर। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, और ये वाला कार्बोकैटाइन कौन सा है, दो हाइड्रोजन अटैच है तो ये प्राइमरी है। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस जी। ओके अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें। एक्सप्लेन why intermediate 1 is more likely to form than intermediate 2? intermediate 1 ke banne ke zyada chances kyun hain? It is because in intermediate 1 there are more electron donating groups, ठीक है, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ इसके साथ एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। दैट आर अल्काइल सो इट स्टेबिलाइजेस the charge of carbon positive. तो ज्यादा ग्रुप जिसके पास होते हैं वो जो है ज्यादा स्टेबलाइज करता है, और इसी वजह से आपका जो है सेकेंड इंटरमीडिएट 1 जो है ज्यादा स्टेबलाइज कार्बोकैटाइन है, जिसकी वजह से इसके फॉर्म होने के चांसेस मोर लाइकली हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes. Okay.
when intermediate one forms, the product of the first step is T. Okay. Complete the diagram. Complete the diagram to show the mechanism for the conversion of Z to T. Include all relevant charges, partial charges, curly arrows, and lone pair. ठीक है तो एडिशन का मैकेनिज्म है हम इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे और इस ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे यहां से इस पे अटैक होगा और ब्रोमीन इस बॉन्ड पेयर को अपने पास रख लेगा ठीक है जिसके रिजल्ट में वो ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके पास एक लोन पेयर ऐसा होगा जिससे वो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा और हमारे जो है एक ब्रोमो एल्केन और मोर स्पेसिफिकली टू ब्रोमो प्रोपीन प्रोपेन फॉर्म हो गया जी इसमें देख लें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें नो सर आपकी आवाज बहुत लैग हो रही है नो सर आपकी आवाज बहुत लैग हो रही है जी सबको आवाज आ रही है मोहम्मद मीना सानिया ओके तो ये मैकेनिज्म क्लियर है सबको यस ओके नाउ पार्ट थ्री देखिए टी कैन बी कन्वर्टेड टू टू अमीनो प्रोपेन ठीक है तो हम देख रहे हैं क्या हुआ कि जहां पे बी आर लगा हुआ था वहां पे एनएच टू लग गया Name the mechanism for this reaction. So, ये एक न्यूक्लियोफाइल हो रहा है तो इसको हम नेम सब्स्टिट्यूशन ये बात यस अमीना यशफा एंड सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा लैग हो रही थी सर आपकी बहुत आवाज लैग हो रही थी अब आ रही है आवाज या अभी भी लैग अभी भी थोड़ी लैग कर रही है सर एकदम प्रॉब्लम शुरू कर दिया नेट ने तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा जी यहाँ तक क्लियर है सबको यस यस सर इवन कंपाउंड एस जिसमें हमें नजर आ रहा है एक कीटोन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है कैन बी रिड्यूस्ड बाय LiLH4 कंप्लीट द इक्वेशन यूजिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन यूज
एटॉमिक हाइड्रोजन टू रिप्रेजेंट द रिड्यूसिंग रिएजेंट रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं. LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से वो जो है इस कार्बन को भी रिड्यूस करके सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी जो है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. ओके. Other reducing agents containing group 1 metal cations include LiBH4, NaBH4 and KBH4. The strength of the reducing agent depends upon the size of the cation. Give the electronic structure of sodium cation. So sodium ka atomic number 11 hai. Iska matlab hai 11 electrons honge. But agar plus 1 charge aa gaya hai to number of electrons kitne ho jayenge? 10. To hame 10 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है. 1s2, 2s2, 2p6, 4b6. ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पूरे हो गए. 1s में 2 आए, 2s में 2 आए और 2p में 6 आए. Suggest why the ionic radius increasing is sir, aapki awaaz bahut zyada lag ho rahi hai. On or one likha hua hai. अच्छा भाई मुझे बताइएगा कहाँ से आवाज लैग हो रही है. अभी भी लैग हो रही है मेरी आवाज? नो सर अभी सही है. तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव होते हैं तो आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ जो शेल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. तो उसकी वजह से आयोनाइजेशन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज बड़ा हो रहा है तो इसलिए आयनिक रेडियस जो है इंक्रीज हो जाएगा. ये क्लियर है सबको? यस सर. ओके. अच्छा मैंने आप लोगों को भेजा तो था कि हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे बट आई थिंक आज की क्लास के लिए यही रखते हैं पेपर.